दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके बाल झड़ते क्यों हैं, क्यों जड़ों से निकलकर आते हैं और धीरे धीरे आपको इस तरह से गंजापन महसूस होने लगता है? तो बाहर से तो हम बहुत ज्यादा पोषण देते हैं, अच्छे से अच्छे हम शैम्पूज लगाते हैं, हेयर ऑयल्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बाल जो है ना झड़ने बंद नहीं होते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण, मेन कारण ये होता है कि बालों को हम अंदर से पोषण नहीं देते हैं। जब तक हम अपनी बॉडी को अंदर से न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो बाहर की तरफ से भी हमारे बाल उतने ज्यादा सुंदर नहीं रहेंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको कि आपको रोज एक खाना है, नाश्ते के पहले या फिर नाश्ते के साथ खाना है। एक लड्डू आप रोज खा लीजिए और हफ्ते भर में आपको अपने बालों में अंतर समझ में आने लगेगा। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो अगर जहां आपके 100 बाल गिर रहे थे तो 50 गिरेंगे और धीरे धीरे 15 दिन के अंदर आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं ये टेस्टी हेल्दी लड्डू, आइए शेयर करती हूँ मैं रेसिपी। इसके लिए आपको लेनी है एक कढ़ाई और उसमें डालना है यहाँ पर मूंगफली। मूंगफली बहुत ही हेल्दी होते हैं, बालों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें कच्ची मूंगफली के दाने ऐड करने हैं। ये मैंने लगभग आधा कप के करीब ऐड किए हैं। तो इसको हम सबसे पहले भून लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है ताकि ये मूंगफली जले ना। इसके अलावा कोई भी ऑयल घी का यूज हम नहीं करेंगे पूरी रेसिपी में। अब इसमें आधा कप के करीब मैंने डाल दिए हैं फूल मखाना, जिसको कि इंग्लिश में फॉक्स नट्स भी बोलते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। आधा कप के करीब हमने इसमें डाले हैं यहाँ पर बादाम। तो बादाम भी आपको पता है, बादाम का तेल भी बालों में लगाया जाता है, तो ये भी हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तीनों चीजों को लो मीडियम फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 3 से 4 मिनट भून लीजिए। तो ये देखिए, मखाने जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हम इसको भूनेंगे। आप चाहें तो तीनों चीजों को अलग अलग भी भून सकते हैं, मैंने तीनों चीजों को एक साथ ही भून लिया। यहाँ पर मखाने क्रिस्पी हो चुके हैं, आराम से दब रहे हैं। तो चलिए इसी में ही कुछ चीजें और डाल देते हैं। जैसे आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर अलसी ऐड की है, जिसको कि फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। अलसी बालों के लिए वरदान है फ्रेंड्स, जरूर ऐड करें। 1/4 कप मैंने इसमें डाला है काला तिल, जो अगेन बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आधा कप के करीब मैंने यहाँ पर ओट्स ऐड किए हैं, आप कोई भी वैरायटी के ओट्स डाल सकते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पर ऐड किया है सफेद तिल। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब डाला है इसमें सूखा नारियल। तो जितनी भी चीजें हमने इस लड्डू के लिए ऐड की हैं, वो सारी की सारी चीजें बालों को बहुत ही अच्छा पोषण देगी। तो एक लड्डू आप रोज खा लीजिए, हफ्ते भर के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर सारी चीजों को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया और इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लिया। अब सारी चीजों को ठंडा कर लीजिए और इसके बाद में मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पल्स करते हुए हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें लड्डू बनाना है तो इसके लिए हम कुछ मिठास का यूज करेंगे। मिठास के लिए हम यहाँ पर चीनी का यूज नहीं करेंगे, खांड का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर गुड़ का यूज करेंगे। गुड़ के साथ लड्डू बनाएंगे ताकि हेल्दी भी रहे, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। गुड़ अगेन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब गुड़ ले लिया, इसको मैंने हाथों से तोड़ लिया था और 1/4 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है हमने, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम यहाँ पर सबसे पहले गुड़ को पिघलाएंगे। तो गुड़ को लगातार चलाते रहिए, देखिए धीरे धीरे से ये इस तरह से चाशनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, पर यहाँ पर अभी ये गुड़ पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है, नीचे इसके छोटे छोटे टुकड़े बाकी हैं। तो थोड़ा सा हम फ्लेम को बढ़ा देंगे और इसको तब तक थोड़ा सा हम इसी तरह से पकाएंगे जब तक कि चाशनी बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार नहीं हो जाती। इसके बाद में जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी, गैस को हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इस चाशनी को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो जब ये चाशनी ठंडी हो जाएगी या हल्की गुनगुनी रह जाएगी, इसके बाद ही हम इसमें पाउडर ऐड करेंगे जो हमने बनाकर रखा था। तो चाशनी ठंडी हो चुकी थी, मैंने इसमें पाउडर डाल दिया, पहले थोड़ा डाला और बाद में बाकी का पाउडर डाल दिया और अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने 1.5 कप गुड़ का यूज किया है, आप चाहें तो गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर ज्यादा आप मीठा खाते हैं तो मेरे हिसाब से तो इतनी क्वांटिटी परफेक्ट है गुड़ की। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और विंटर सीजन के लिए भी लड्डू बहुत अच्छे हैं, विंटर सीजन में आपको सर्दी से भी बचाएंगे ये, साथ ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। और जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर डाल दिया, या फिर यूं कहें कि 3 से 4 हरी इलायची को पीस कर डाल दिया है। अच्छे से मिला लीजिए और मिक्सचर को अब आप लड्डू से बना सकते हैं। हाथों पर हल्का सा घी लगा लें, उसके बाद में आप इसे लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से गोल गोल लड्डू बनाकर रख लीजिए, छोटे या बड़े बनाना आपके हाथ में है। बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। माइंड को शार्प करेंगे, हड्डियों को मजबूत बनाएंगे, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया है और बालों का तो ख्याल रखेंगे ही। तो अगर आप इसको बालों की हेल्थ के लिए खाना चाहते हैं तो बालों की हेल्थ के लिए खाइए, और ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो भी आप इसको खाइए, आपको सारे ही चीजों में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी, लिखकर जरूर बताएं। बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इन लड्डुओं को बनाने के बाद में आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते, आराम से 2 से 3 महीने चल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से गोल गोल लड्डू आप बनाकर रख लीजिए। तो सारे लड्डू यूं ही बनाकर रख लें और उसके बाद में आप इसको खा सकते हैं। इसको खाना कैसे है, रोज सुबह या तो आप इसको दूध के साथ खा सकते हैं। जैसे बच्चों को आप एक लड्डू रोज दूध के साथ दे दीजिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, बाल भी अच्छे होंगे। और जो लोग हेयर फॉल के लिए खाना चाहते हैं तो वो लोग भी इसको नाश्ते में ही खाएं। इसको अगर आप खाली पेट खा लेते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसको खाने के बाद में आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं, फिर आप देखिएगा आपको कितना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते भर के अंदर आपको बहुत ही अच्छा इसका अमेजिंग सा रिजल्ट मिलने लगेगा। और 15 दिन के अंदर तो आप देखिएगा कि आपको आपका जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, जो अभी तक आपकी नहीं जा रही थी, वो कंप्लीटली बिल्कुल रुक जाएगी और आपको धीरे धीरे आपके बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर, स्वस्थ और घने हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये टिप, आज की रेसिपी, लिखकर जरूर बताएं। बनाने के बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।